पूरे महाराष्ट्र में कोरोना महामारी ने आतंक मचा रखा है। इससे नागपुर यानी संतरा नगरी नहीं बच पाई। शहर में दिन पर दिन कोरोना पॉजिटिव के साथ ही कोरोना से हारने वालों की संख्या भी अब बढ़ रही है। अनलॉक के पहले लॉकडाउन के दौरान शहर का मोमिनपुरा हॉटस्पॉट बन गया था। बढ़ते कोरोना पेशेंट को देख प्रशासन की ओर से मोमिनपुरा स्थित बकरा मंडी शहर के ही वाठोड़ा स्थलांतर कर दी। बीते 4 महीनों से ये मंडी यही चल रही है, मगर मंडी में आने वाले किसान और व्यापारी इन्हें सुविधा नहीं मिल रही। हमारी मोमिनपुरा बकरा मंडी में बकरा बाजार मंडी थी, वहाँ कोविड-19 की वजह से इसको हटाया गया, मोमिनपुरा से वाथोड़ा लाया गया। वाथोड़ा में रहने के बाद में हाईकोर्ट में केस डालने में उसको 8 हफ्ते का समय मांगे थे, 4 हफ्ते का हाईकोर्ट ने दिया था। हाईकोर्ट से PMC ने 8 हफ्ते का समय मांगे, उसके बाद में 3 महीने यहाँ गुजर गए, हमको सुविधा कुछ भी नहीं मिल रही। कीचड़ है, पानी है, हमारी शौचालय नहीं है, इसमें हमारे को बकरे बेचने की जगह सहूलियत नहीं है, ये सब चीज़ों की तकलीफ है। बकरे मर रहे हैं तो हमको यहाँ से फेंकना पड़ रहा है, शेष उसका हमको 1.05 रुपये लग रहा है, 4 रुपये अलग अलग रहा है, ये सारी दिक्कतें हैं हमको यहाँ पे। जब से मार्केट स्टार्ट हुआ है तो यहाँ कोई भी किसी किस्म की व्यवस्था नहीं है। APMC ने हमको ये वादा किया था कि हम हाईकोर्ट को वादा किया था कि कम से कम हम जो है 4 हफ्ते में आपको पूरी व्यवस्था करके देंगे, मगर अब उन्होंने हाईकोर्ट का भी मतलब जो है खारिज कर दी, बात को उल्लंघन किया है। अभी हमारी व्यवस्था करके दे, APMC से डिमांड है और हाईकोर्ट से भी डिमांड है हमारी कि वो यहाँ पे जो व्यवस्था के लिए एक कमेटी बनाई जाए और पूरी की पूरी व्यवस्था करके दे और यहाँ पर स्लाटर हाउस भी बना के दे। जब तक ये स्लाटर हाउस नहीं बनेगा तो यहाँ पे दुकानदार के माल बहुत सारे मर रहे हैं, नुकसान हो रहा है सेतकरी का। नुकसान से बचने के लिए स्लाटर हाउस का होना ज़रूरी है। और दुकानदारों को जो शेष लगाया जा रहा 1.05 रुपये सैकड़ा, ये बहुत ज़्यादा है, इसको नग के पीछे लेना चाहिए, यानी 10 रुपये नग लेना चाहिए, ऐसी हमारी संस्था की तरफ से मांग है। ऐसा हमारा कहना था कि दुकानदारों को शेष से बहुत तकलीफ हो रही है, वो शेष नहीं देना चाहिए करके ऐसा मानना है हमारा। व्यापारियों का कहना है कि कोरोना के चलते हमें हमारा व्यवस्था स्थलांतरित करने के आदेश दिए गए, हमने आदेशों का पालन किया, मगर सुविधा के नाम पर हमें खाली आश्वासन मिला। इस मुद्दे को लेकर हम न्यायालय भी गए। न्यायालय में APMC ने आश्वासित किया था कि 4 हफ्तों में मंडी की सुविधा की जाएगी, मगर अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। देखिए, मैं पहले तो आपके चैनल का मैं धन्यवाद करूंगा कि कोई ना किसी ने जो ये बकरा मंडी जो आई है कि किसी न किसी ने हम लोगों का सूद लिया है और यहाँ तक पहुँचे कि भाई तुम्हारी क्या व्यथा है, क्या परेशानी है और किस तरह से तुम लोग व्यापार कर रहे हो। इस तरह के लिए आप यहाँ पहुँचे, हमारी मनोगत जानने के लिए मैं आपका सबका धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले तो हमारे बकरा मंडी अर्थिया एसोसिएशन के अध्यक्ष है इब्बू भैया, हम जो इब्बू भैया बोलते हैं, मोहम्मद इब्राहिम जी, उनकी पूरी टीम है और मैं लोकल वेंडर हूँ, यहाँ पे माल खरीदी करने आता हूँ और यहाँ से माल खरीदी करके लेके जाता हूँ। यहाँ पे बहुत दूर से भी व्यापारी आते हैं, राजस्थान गुजरात से भी माल लेके यहाँ आते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इसके पहले जब जनहित याचिका डाली गई थी पाठोड़ा के अंदर में, तो APMC ने बोला गया था कि हम 3 सप्ताह के अंदर में ये मार्केट पूरा डेवलप करके देंगे, उसके बाद में मार्केट को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। उसके बाद 2nd 3 हफ्ते निकल जाने के बाद में मार्केट को इन्होंने यहाँ शिफ्ट कर दिए, फिर से जन इंचार्ज डाली गई, तो APMC ने बोला गया कि अब ये हमारे पास समय कम पड़ रहा है तो आप हमारे को 8 सप्ताह का समय दीजिए। अब ये 8 सप्ताह का भी समय देने के बाद में भी आप देख रहे हो कि किस तरह से दुर्दशा में हम लोग यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं और 8 सप्ताह निकल जाने के बाद में भी APMC हाईकोर्ट का कोई भी निर्णय मानने को तैयार नहीं है। मेरा APMC से एक ही कहना है कि जब आप प्रशासक हो, आपकी बॉडी नहीं है तो प्रशासक तो कैसा होना चाहिए। प्रशासक का काम है कि अपने क्षेत्र के अंदर में जो लोग व्यापार कर रहे हैं उसकी पूरी सुविधा उनको उपलब्ध करा के देना चाहिए। आज वो ऐसी आग बुन के खड़े, आज पानी नहीं आया, जब कीचड़ रहता तो मैडम आप भी यहाँ पहुँच नहीं पाते थे, और ऐसे परिस्थिति में यहाँ पे कैसा बिजनेस करे। उनका जो लोकल शेड यहाँ बन रहा है उसकी भी अभी तक कुछ रूपरेखा तैयार नहीं हुई है। जब हम उनसे अधिकारियों से बात करते तो बोलते हैं कि 15 दिन में हो जाएगा, 8 दिन में हो जाएगा, और यहाँ से हम कुछ कच्चे जगह पे माल भी लगाने नहीं देते, तो ऐसे परिस्थिति हम लोगों ने क्या करना चाहिए। हमारे APMC से एक ही कहना है कि जब तक आपके यहाँ व्यवस्था नहीं होती तब तक जो वहाँ सेट कच्चा सेट बन रहा है या तो वहाँ हमको मार्केट लगा दिया जाए, ताकि हम भी माल खरीदने के लिए हमको काफ़ी दूर से आते हैं, पैसे भी जेब में होते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में माल यहाँ खरीद नहीं सकते, क्योंकि इसलिए कि APMC ने अभी तक हमारी बात को माना ही नहीं है, पूरी तरह से उन्होंने आग बंद करके रखा है। मैं लोकल वेंडर के नाते फिर से कहना चाहूँगा, मैं नागपुर मेट्रो दुकानदार संघ का अध्यक्ष हूँ, इसके नाते फिर से मैं APMC भी कहना चाहूँगा और आप लोगों भी ये लोगों तक पहुँचा है, ताकि क्या हो जाए कि आज ये शेष की पावती कटती है, दलाल एसोसिएशन ये शेष की पावती काट के देते हैं, पर वो बकरे के ऊपर में 4 रुपये क्यों लगाते हैं।
एक्स्ट्रा का 4 रुपये ये लोग लेते हैं। जब तुम्हारे यहाँ बकरा रखने की व्यवस्था नहीं है, तुम्हारे यहाँ बकरा रखने के शेड नहीं है, जब बकरों को पानी पिलाने की व्यवस्था नहीं है, तो भैया 4 रुपये क्यों एक्स्ट्रा का लेते हैं? ठीक है, कोई भी चीज़ अगर डेवलप करना है तो उसको पैसा लगता है। हम सेस देने के लिए तैयार है दुकानदार, पर लेकिन हम लोग करें क्या? हमारे से 4 रुपये एक्स्ट्रा बकरा लिया जाता है। ऐसे परिस्थिति मेरी खाली APMC से यही कहना है कि इसकी पूरी दुर्दशा को जल्द से जल्द हल करे, अन्यथा हम फिर में एक बार कोर्ट में जाने की तैयारी रखते हैं। उसके बाद जो APMC है उसको हम कोर्ट में खींचेंगे। पर बकरा लिया जा रहा है, वो जबरन लिया जा रहा है। हाँ, वो जबरन लिया जा रहा है, जबकि तुम सेस ले रहे हो 1.5% और उसके बाद में 4 रुपये पर बकरा ले रहे हो, तो ये किस बेस पे ले रहे हो? तो ठीक है ना, तो यहाँ दुकानदारों को, व्यापारियों को, दलाल भाइयों को क्या व्यवस्था करके दी है? आज कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। अभी खैर आप ऐसे दिन आए कि आज पानी नहीं है, अगर पानी आता था तो मैडम और सर आप यहाँ पे खड़े नहीं रह सकते थे, बोलते थे हमने आज इंटरव्यू लेते आपका, हम कल आएंगे। ऐसी परिस्थिति है कि लोकल, और 4 रुपये जो जबरन लिया जा रहा है उसका बेनिफिट क्या मिल रहा है? अभी ये व्यापारी हमारे राजस्थान से बोले कि हम इतने दूर से है ना, उनकी टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था, ना बकरा रखने की व्यवस्था है, कुछ भी व्यवस्था ना, पैसा तो पूरा ले रहे हैं सेस के रूप में ले रहे हैं, और बकरा एक्स्ट्रा के नाम से 4 रुपये बकरा जो ले रहे हैं, तो क्यों? जब ले रहे हो तो पूर्ण या परिपूर्ण व्यवस्था करके देना चाहिए प्रशासन ने, और यहाँ प्रशासन जो बैठा हो किसी की नहीं सुन रहा, लोकल वेंडर की भी नहीं सुन रहा, दुकानदार को इतने बड़े हाई कोर्ट की भी बात नहीं सुन रहा। 4 हफ्ते का टाइम देने के बाद में भी उनको पिटीशन दायर करके उनको 8 हफ्ते का टाइम दिया, 8 हफ्ते में 6 हफ्ते निकल चुके, यहाँ पे कौन सी व्यवस्था हुई है? 2 हफ्ते में कौन सी व्यवस्था होंगी? इसके लिए हाई कोर्ट ने उनको 25,000 रुपये का फाइन भी ठोका हुआ प्रशासन को, फिर भी प्रशासन आँख मुन के बैठा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा, मस्त सोया है मुकुंभकरण की, और अपना पैसा ऐटना चालू है। या दुर्दशा किसकी हो रही है? व्यापारी की, दुकानदार की और दाड़तिया की। उसको कोई लेना देना, किसकी जान जाए कुछ जाए उससे कोई लेना देना है प्रशासन को? प्रशासन को पैसे से मतलब है। तो हमारा ये कहना है, तो अगर हमारी मांगनी ये पूरी नहीं होती है तो हम ये पूरा मार्केट कड़मना के गेट के सामने भराएंगे और वहाँ मार्केट करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे। हमारा 1% भी बचेगा और हमारा दुकानदारों का 4 रुपये भी बचेगा। पूरी 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 परिपूर्ण व्यवस्था करके देने को ना, अन्यथा हम हाईकोर्ट तो जाएंगे, प्रशासन को फिर से खींचेंगे। अगर नहीं करके देंगे तो ये गेट है ना कड़मना का, बकरा मंडी का, उसके सामने बकरे लगाएंगे, पूरे दलाल लोग, पूरे दुकानदार और पूरे व्यापारी एक साथ बकरा बेचेंगे। ये हम नागपुर मेट्रो दुकानदार सरपके से अपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट और यहाँ की महानगर पालिका, यहाँ के प्रशासन, APMC को अवगत करा रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ, धमकी दे रहा हूँ। मंडी में अपना व्यवसाय चलाने वाले व्यापारियों ने सेज का मुद्दा भी उठाया। व्यापारियों ने मांग की है कि सेज रद्द किया जाए और स्लॉटर हाउस बनाया जाए। राष्ट्र शासन फार्मरों, किसानों के लिए बड़े उत्थान की काम कर रही है ये बातें सुनी है, मगर यहाँ आके देखा है कि यहाँ तो बिल्कुल विपरीत है। 2 दिन पहले 3 दिन पहले किसान अपना माल भरता है, 2 दिन 3 दिन पहले किसान अपना माल भरता है और यहाँ आता है तो ना जानवर को पानी मिलती है, ना दाना मिलता है। ये तो पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत भी नहीं आता है। तो सारे नियम जो है सिविलियंस के लिए, शासन के लिए कोई नियम नहीं है। शासन जब यहाँ से पैसा ले रही है हमसे, हम पैसा दे रहे हैं शासन को, हम दलालों से शिकायत कर रहे हैं कि जब आप हमसे कमीशन ले रहे हो तो हमारी व्यवस्था कहाँ है? आज हमने 200 बकरा लाया, अगर हमारा 50 बकरा बच गया तो हम कहाँ ले जाएंगे उसको? हम परदेसी है, यहाँ रख ही नहीं सकते। अब यहाँ नहीं रखेंगे तो चोरी हो जाएगा, हमारी मजबूरी है कि पूरा 200 बकरा हमको बेचना है। इसमें तो किसान का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इस पर शासन को चाहिए कि पूरी तरीके से ध्यान आकर्षित हो उनका, और किसान की जानवरों की व्यवस्था हो, उनके दाने की, पानी की, अगर उनका माल बच जाता है तो उनके रखने की व्यवस्था हो, जो कि सारे हमारे राजस्थान स्टेट में इसकी पूरी व्यवस्था होती है, जितने भी बाज़ार लगते हैं। उत्तर प्रदेश के हमने बाज़ार घूमे हैं, वहाँ पर उत्तर प्रदेश के शासन जो है हर बाज़ार में है कोठे बना के रखती है, जिसमें जो किसान का माल बच जाता है तो उसको उसमें रखा जाता है कि दूसरे बाज़ार में फिर वो बिक जाए। अभी तो यहाँ पर किसान मजबूर हो जाता है कि जो बकरा लाया है उसको पूरा का पूरा बेचना है, चाहे उसको उसकी कीमत मिले या नहीं मिले।